जय हो कृष्ण भगवान की। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगी विद्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्रद्रुमृतः स्तवन्ति दिवस्त्वैर्वेदैः सांगपदः कर्म उपनिषदैर्गायन्त्यं सामगः ध्यानावस्थिततिगतेन मनसा पश्यन्त्यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगुणा देवाय तस्मै नमः। जय हो कृष्ण भगवान की। श्रीमद्भगवद गीता जी हिंदी में अनुवाद, द्वादशो अध्याय, बारहवां अध्याय, अर्जुनवाच। जो अनन्य प्रेमी भक्त जन पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहकर आप सगुण रूप परमेश्वर को और दूसरे जो केवल अविनाशी सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म को ही अतिशय श्रेष्ठ भाव से भजते हैं, उन दोनों प्रकार के उपासकों में अति उत्तम योगवेता कौन है। श्री भगवान वाच। श्री कृष्ण भगवान बोले, मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्त जन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मुझको योगियों में अति उत्तम योगी मान्य हैं। परंतु जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार वश में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत और सब में समान भाव वाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। उन सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले पुरुषों के साधन में परिश्रम विशेष है, क्योंकि देहाभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषयक गति दुख पुरुष प्राप्त की जाती है। परंतु जो मेरे प्राण रहने वाले भक्त जन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं, हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। जय हो कृष्ण भगवान। मुझ में मन को लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा, इसके उपरांत तो मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। यदि तो मन को मुझ में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है, तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। यदि तू उपयुक्त अभ्यास में भी असमर्थ है, तो केवल मेरे लिए कर्म करने के ही प्रयाण हो जा। इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ भी मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को ही प्राप्त होगा। यदि मेरी प्राप्ति रूप योग के आश्रित होकर उपयुक्त साधन को करने में भी तू असमर्थ है, तो मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर सब कर्मों के फल का त्याग कर। कर्म मर्म को ना जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से भी सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति होती है। जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित, स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी और हेतुरहित दयालु है, तथा ममता से रहित, अहंकार से रहित, सुख दुखों की प्राप्ति में सम है और क्षमावान है, अर्थात अपराध करने वाले को भी अभय देने वाला है, तथा जो योगी निरंतर संतुष्ट है, मन इंद्रियों से शरीर को वश में किए हुए है और मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको प्रिय है, जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, तथा जो हर्ष अमर्ष भय और उद्वेग आदि से रहित है, वह भक्त मुझको प्रिय है। जय हो कृष्ण भगवान।
जो पुरुष आकांक्षा से रहित, बाहर भीतर से शुद्ध, चतुर पक्षपात से रहित, दुखों से छूटा हुआ है, वह सब आरंभों का त्यागी मेरा भक्त मुझको प्रिय है। जो ना कभी हर्षित होता है, ना द्वेष करता है, ना शोक करता है, ना कामना करता है, तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वह भक्तयुक्त पुरुष मुझको प्रिय है। जो शत्रु मित्र में, मान अपमान में सम है, तथा सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि द्वंद्वों में सम है और आसक्ति से रहित है, जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला, मननशील और जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने में सदा ही संतुष्ट है और रहने के स्थान में ममता और आसक्ति से रहित है, वह स्थिर बुद्धि भक्तिमान पुरुष मुझको प्रिय है। परंतु जो श्रद्धायुक्त पुरुष मेरे प्राण होकर इस ऊपर कहे हुए धर्म में अमृत को निष्काम प्रेम भाव से सेवन करते हैं, वे भक्त मुझको अतिशय प्रिय हैं। ओम तस्तुति श्रीमद् भगवद्गीता सुपनिषद ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन संवादे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशोध्याय। जय हो कृष्ण भगवान। त्रयोदश अध्याय। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र इस नाम से कहा जाता है और इसको जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ इस नाम से उनके तत्व को जानने वाले ज्ञानी जन कहते हैं। हे अर्जुन, तू सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा भी मुझे ही जान और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को अर्थात विकार रहित प्रकृति का और पुरुष का जो तत्व से जानना है वह ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। वह क्षेत्र जो और जैसा है तथा जिन विकारों वाला है और जिस कारण से जो हुआ है तथा वह क्षेत्रज्ञ भी जो और जिस प्रभाव वाला है, वह सब संक्षेप में मुझसे सुन। वह यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का तत्व ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया है और विविध वेद मंत्रों द्वारा भी विभाग पूर्वक कहा गया है तथा भली भांति निश्चय किए हुए युक्तचित ब्रह्म सूत्र के पदों द्वारा भी कहा गया है। 5 महाभूत अहंकार बुद्धि और मूल प्रकृति भी तथा 10 इंद्रियां, 1 मन और 5 इंद्रियों के विषय अर्थात शब्द स्पर्श रूप रस और गंध तथा इच्छा द्वेष सुख दुख स्थूल देह का पिंड चेतना और धृति, इस प्रकार विकारों के सहित यह क्षेत्र संक्षेप में कहा गया है। श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव, दम्भाचरण का अभाव, किसी भी प्राणी को किसी प्रकार भी ना सताना, क्षमा भाव, मन वाणी आदि की सरलता, श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, अंतःकरण की स्थिरता और मन इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह, इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव और अहंकार का भी अभाव, जन्म मृत्यु जरा और रोग आदि में दुख और दोषों का बार बार विचार करना, पुत्र स्त्री घर और धन आदि में आसक्ति का अभाव, ममता का ना होना तथा प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में सदा ही चित्त का सम रहना, मुझ परमेश्वर में अनन्य योग के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति तथा एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव और विशेषक्त मनुष्यों के समुदाय में प्रेम का ना होना, अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति और तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को ही देखना, यह सब ज्ञान है और जो इसके विपरीत है वह अज्ञान है, ऐसा कहा है। जो जानने योग्य है तथा जिसको जानकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त होता है उसको भली भांति कहूँगा। वह अनादि वाला परम ब्रह्म ना सत ही कहा जाता है ना असत ही। वह सब और हाथ पैर वाला, सब और नेत्र सिर और मुख वाला तथा सब और कान वाला है, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। यह संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित है तथा आसक्ति रहित होने पर भी सबका धारण पोषण करने वाला और निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगने वाला है। वह चराचर सब भूतों के बाहर भीतर परिपूर्ण है और चर अचर भी वही है
और वह सूक्ष्म होने से अविज्ञेय है तथा अति समीप में और दूर में भी स्थित वही है। जय हो कृष्ण भगवान। वह परमात्मा विभाग रहित एक रूप से आकाश के दृश्य परिपूर्ण होने पर भी चराचर संपूर्ण भूतों में विभक्त सा स्थित प्रतीत होता है तथा वह जानने योग्य परमात्मा विष्णु रूप से भूतों को धारण पोषण करने वाला और रुद्र रूप से संहार करने वाला तथा ब्रह्मा रूप से सबको उत्पन्न करने वाला है। वह परब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति एवं माया से अत्यंत परे कहा जाता है। वह परमात्मा बोध स्वरूप जानने योग्य एवं तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य और सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है। इस प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान और जानने योग्य परमात्मा का स्वरूप संक्षेप से कहा गया। मेरा भक्त इसको तत्व से जानकर मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। प्रकृति और पुरुष इन दोनों को ही तू अनादि जान और राग द्वेष आदि विकारों को इस त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को भी प्रकृति से उत्पन्न जान। कार्य और करण को उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति कही जाती है और जीवात्मा सुख दुखों के भोक्तापन में अर्थात भोगने में हेतु कहा जाता है। प्रकृति में स्थित ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है और इन गुणों का संग ही इस जीवात्मा के अच्छे बुरे योनियों में जन्म लेने का कारण है। इस देह में स्थित यह आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है। वह साक्षी होने से उपदृष्टा और यथार्थ सम्मति देने वाला होने से अनुमंता, सबका धारण पोषण करने वाला होने से भरता, जीवात्मा जीव रूप से भोक्ता, ब्रह्मा आदि का भी स्वामी होने से महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा, ऐसा कहा गया है। इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है वह सब प्रकार से कर्तव्य कर्म करता हुआ भी फिर नहीं जन्मता। उस परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान के द्वारा हृदय में देखते हैं, अन्य कितने ही ज्ञान योग के द्वारा और दूसरे कितने ही कर्म योग के द्वारा देखते हैं अर्थात प्राप्त करते हैं, परंतु इनसे दूसरे अर्थात जो मंद बुद्धि वाले पुरुष हैं वे इस प्रकार ना जानते हुए दूसरों से अर्थात तत्व के जानने वाले पुरुषों से सुनकर ही तदनुसार उपासना करते हैं और वे शरण प्रायण पुरुष भी मृत्यु रूप संसार सागर को निसंदेह तर जाते हैं। हे अर्जुन, यावन मात्र जितने भी स्थावर जंगम प्राणी उत्पन्न होते हैं उन सब को तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न जान। जय हो कृष्ण भगवान। जो पुरुष नष्ट होते हुए सब चराचर भूतों में परमेश्वर को नाश रहित और समभाव से स्थित देखता है वही यथार्थ देखता है, क्योंकि जो पुरुष सब में समभाव से स्थित परमेश्वर को समान देखता हुआ अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता इससे परम गति को प्राप्त होता है। और जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति से द्वारा ही किए जाते हुए देखता है और आत्मा को अकर्ता देखता है वही यथार्थ देखता है। जिस क्षण यह पुरुष भूतों के पृथक पृथक भाव को एक परमात्मा में ही स्थित तथा उस परमात्मा से ही संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है उसी क्षण वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। हे अर्जुन, अनादि होने से और निर्गुण होने से यह अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होने पर भी वास्तव में ना तो कुछ करता है और ना लिप्त ही होता है। जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता वैसे ही देह में सर्वत्र स्थित आत्मा निर्गुण होने के कारण देह के गुणों से लिप्त नहीं होता। जय हो कृष्ण भगवान। हे अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को तथा कार्य सहित प्रकृति से मुक्त होने को जो पुरुष ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व से जानते हैं, हे महात्मा जन, तथा कार्य सहित प्रकृति को मुक्त होने को जो पुरुष ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व से जानते हैं वे महात्मा जन परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद्
भगवत गीता सुपनिषद ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन समाधि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग नाम त्रयोदश अध्याय। जय हो कृष्ण भगवान की। अथ चतुर्दश अध्याय 14वां अध्याय। जय हो कृष्ण भगवान की। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री भगवान बोले, ज्ञानों में भी अति उत्तम उस परम ज्ञान को मैं फिर कहूँगा, जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। इस ज्ञान को आश्रय करके अर्थात धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते और परलय काल में भी व्याकुल नहीं होते। हे अर्जुन, मेरी महत्व पर ब्रह्म रूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि है, अर्थात गर्भाधान का स्थान है, और मैं उस योनि में चेतन समुदाय रूप गर्भ को स्थापन करता हूँ। उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो उन सब की धारण गर्भ धारण करने वाली माता है और मैं उस बीज का स्थापन करने वाला पिता हूँ। हे अर्जुन, सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। हे निष्पाप, उन तीनों गुणों में सत्वगुण तो निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला और विकार रहित है। वह सुख के संबंध से और ज्ञान के संबंध से अर्थात उसके अभिमान से बांधता है। हे अर्जुन, राग रूप रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न जान। वह इस जीवात्मा को कर्मों के और उनके फल के संबंध से बांधता है। जय हो कृष्ण भगवान। हे अर्जुन, सब देहाभिमानियों को मोहित करने वाले तमोगुण को तो अज्ञान से उत्पन्न जान। वह इस जीवात्मा को प्रमाद आलस्य और निद्रा के द्वारा बांधता है। हे अर्जुन, सत्वगुण सुख में लगाता है और रजोगुण कर्म में तथा तमोगुण तो ज्ञान को ढककर प्रमाद में भी लगाता है। हे अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण, सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण, वैसे ही सत्वगुण और तमोगुण रजोगुण को दबाकर तमोगुण होता है अर्थात बढ़ता है। जिस समय इस देह में तथा अंतःकरण और इंद्रियों में चेतनता और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है, उस समय ऐसा जानना चाहिए कि सत्वगुण बढ़ा है। हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ प्रवृत्ति स्वार्थ बुद्धि से कर्मों का सकाम भाव से आरंभ अशांति और विषय भोगों की लालसा ये सब उत्पन्न होते हैं। जय हो कृष्ण भगवान। हे अर्जुन, तमोगुण से बढ़ने पर अंतःकरण और इंद्रियों में अप्रकाश कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति और प्रमाद अर्थात व्यर्थ चेष्टा और निद्रादि अंतःकरण की मोहनी वृत्तियाँ ये सब ही उत्पन्न होते हैं। जब यह मनुष्य समुद्र सत्वगुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है, तब तो उत्तम कर्म करने वालों के निर्मल दिव्य स्वर्ग आदि लोकों को प्राप्त होता है। रजोगुण के बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों में उत्पन्न होता है तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ मनुष्य कीट पशु आदि मूढ़ योनियों में उत्पन्न होता है। श्रेष्ठ कर्म का तो सात्विक अर्थात सुख ज्ञान और वैराग्य आदि निर्मल फल कहा है, राजस कर्म का फल दुख एवं तामस कर्म का फल अज्ञान कहा है। सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है और तमोगुण से निस्संदेह लोभ तथा तमोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं और अज्ञान भी होता है। सत्वगुण में स्थित पुरुष स्वर्ग आदि उच्च लोकों को जाते हैं, रजोगुण में स्थित राजस पुरुष मध्य में अर्थात मनुष्य लोक में ही रहते हैं और तमोगुण के कार्य रूप निद्रा प्रमाद और अलस्य आदि में स्थित तामस पुरुष अधोगति को अर्थात कीट पशु आदि नीच योनियों को तथा नरकों को प्राप्त होते हैं। जिस समय दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य
किसी को करता नहीं देखता और तीनों गुणों से अत्यंत परे सच्चिदानंद घन स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है, उस समय वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। यह पुरुष शरीर को शरीर की उत्पत्ति के कारण रूप इन तीनों गुणों को उल्लंघन करके जन्म मृत्यु वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ परमानंद को प्राप्त होता है। हे अर्जुन बोले, इन तीनों गुणों से अतीत पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है और किस प्रकार के आचरणों वाला होता है, तथा हे प्रभो, मनुष्य किस प्रकार किस उपाय से इन तीनों गुणों से अतीत होता है। जय हो कृष्ण भगवान की। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष सत्वगुण से कार्य रूप प्रकाश को और रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को तथा तमोगुण के कार्य रूप मोह को भी ना तो प्रवृत्त होने पर उनसे द्वेष करता है और ना निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा ही करता है, जो साक्षी के सदृश स्थित हुआ गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता और गुण ही गुणों में बरतते हैं ऐसा समझता हुआ जो सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहता है, वह उस स्थिति से कभी विचलित होता ही नहीं। जय हो कृष्ण भगवान। जो निरंतर आत्मा में स्थित दुख सुख को समान समझने वाला, मिट्टी पत्थर और स्वर्ण को समान भाव वाला ज्ञानी प्रिय और अप्रिय को एक सा मानने वाला है और अपनी निंदा स्तुति में भी समान भाव वाला है, जो मान और अपमान में सम है, मित्र और बैरी के पक्ष में भी सम है एवं संपूर्ण आरंभों में कर्तापन के अभिमान से रहित है, वह पुरुष गुणातीत कहा जाता है। और जो पुरुष अविचारी भक्तियों के द्वारा मुझ को निरंतर भजता है, वह भी इन तीनों गुणों को भली भांति लांघ कर सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होने के लिए योग्य बन जाता है, क्योंकि उस अविनाशी परब्रह्म और अमृत का तथा नित्य धर्म का और अखंड एक रस का आनंद का आश्रय मैं ही हूँ। जय हो कृष्ण भगवान की। ओम तत्सत् श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषद ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन संवाद गुण त्रय विभाग योगो नाम चतुर्दशोध्याय। जय हो कृष्ण भगवान। अथ पंचदशोध्याय 15वां अध्याय। श्री कृष्ण भगवान बोले, आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल रूप वाले और ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल से तत्व से जानता है, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। जय हो कृष्ण भगवान। उस संसार वृक्ष के तीनों गुणों रूप जल के द्वारा बड़ी हुई एवं विषय भोग रूप कोंपलों वाली देव मनुष्य और तिर्यक आदि योनि रूप शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई हैं तथा मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहंता ममता और वासना रूप जड़ें भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रही हैं। इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता, क्योंकि ना तो इसका आदि है और ना अंत है तथा ना इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति ही है, इसलिए इस अहंता ममता और वासना रूप अति दृढ़ मूलों वाले संसार रूप पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा काट कर उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण की मैं शरण हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधि ध्यासन करना चाहिए,
जिसका मान और मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने आसक्ति रूप द्वेष दोष को जीत लिया है, जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है और जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई हैं, वे सुख दुख नामक द्वंद्वों से मुक्त ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आते, उस स्वयं प्रकाश परम पद को ना सूर्य प्रकाशित कर सकता है, ना चंद्रमा और ना अग्नि ही, वही मेरा परम धाम है। इस देह में यह जीवात्मा मेरा ही सनातन और अंश है और वही इन प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षण करता है। वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही देह आदि का स्वामी जीवात्मा भी जिस शरीर का त्याग करता है, उससे इन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है। वह यह जीवात्मा श्रोत्र चक्षु और त्वचा को तथा रसना घ्राण और मन को आश्रय करके अर्थात इन सब के सहारे से ही विषयों का सेवन करता है। शरीर को छोड़कर जाते हुए को अथवा शरीर में स्थित हुए को अथवा विषयों को भोगते हुए को इस प्रकार तीनों गुणों से युक्त हुए को भी अज्ञानी जन नहीं जानते, केवल ज्ञान रूप नेत्रों वाले विवेकशील ज्ञानी ही तत्व से जानते हैं। यत्न करने वाले योगी जन भी अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को तत्व से जानते हैं, किंतु जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया है, ऐसे अज्ञानी जन तो यत्न करते रहने पर भी इस आत्मा को नहीं जानते। सूर्य में स्थित जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है तथा जो तेज चंद्रमा में है और जो अग्नि में है, उसको तो मेरा ही तेज जान, और मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूँ और रस रूप अर्थात अमृतमय चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों का अर्थात वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाला प्राण और पान से संयुक्त वैश्वानर अग्नि रूप होकर चार प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। जय हो कृष्ण भगवान की। मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ तथा मुझ से ही स्मृति ज्ञान और अपोहन होता है, और सब वेदों द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ तथा वेदांत का कर्ता और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी दो प्रकार के पुरुष हैं। इनमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। इन दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है एवं अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा इस प्रकार कहा गया है, क्योंकि मैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूँ और अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोक में और वेदों में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। जय हो कृष्ण भगवान। हे भारत, जो ज्ञानी पुरुष मुझको इस प्रकार तत्व से पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव परमेश्वर को ही भजता है। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह अति रहस्ययुक्त गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया है, इसको तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है। ओम तस्दिति श्रीमद्भगवद्गीता सोपनिषद ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन समाद समाधे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोध्याय। जय हो कृष्ण भगवान। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय हो कृष्ण भगवान की। आज षोडश अध्याय, अब हम आपको सोलहवां अध्याय सुनाएंगे। श्री भगवान बोले, भय का सर्वथा अभाव, अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता, तत्व ज्ञान के लिए
ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति और सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, भगवान, देवता और गुरुजनों की पूजा तथा अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मों का आचरण एवं वेद शास्त्रों का पठन पाठन तथा भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन और शरीर तथा इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता, मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी किसी को कष्ट ना देना, यथार्थ और प्रिय भाषण, अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोध का ना होना, कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग, अंतःकरण की उपरति यथार्थ चित्त की चंचलता का अभाव, किसी की भी निंदा आदि ना करना, सब भूत प्राणियों में हेतु रहित दया, इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी उनमें आसक्ति का ना होना, कोमलता, लोक और शास्त्र के विरुद्ध आचरण में लज्जा और व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव, तेज, क्षमा, धैर्य, बाहर की शुद्धि एवं किसी में भी शत्रु भाव का ना होना और अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव, ये सब ही हे अर्जुन दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। हे पार्थ, दंभ, घमंड और अभिमान तथा क्रोध, कठोरता और अज्ञान भी ये सब आसुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। दैवी संपदा मुक्ति के लिए और आसुरी संपदा बांधने के लिए मानी गई है, इसलिए हे अर्जुन तू शोक मत कर, क्योंकि तू दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुआ है। हे अर्जुन, इस लोक में भूतों की सृष्टि यानी मनुष्य समुदाय दो ही प्रकार के होते हैं, एक तो दैवी प्रकृति वाला और दूसरा आसुरी प्रकृति वाले। उनमें से दैवी प्रकृति वाला तो विस्तार पूर्वक कहा गया, अब तो आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य समुदाय को भी विस्तार पूर्वक मुझसे सुन। आसुर स्वभाव वाले मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति को, इन दोनों को ही नहीं जानते, इसलिए उनमें ना तो बाहर भीतर की शुद्धि है, ना श्रेष्ठ आचरण है और ना सत्य भाषण ही है। वे आसुर प्रकृति वाले मनुष्य कहा करते हैं कि जगत आसुर रहित सर्वथा असत्य और बिना ईश्वर के अपने आप केवल स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न है। एतेव केवल काम ही इसका कारण है, इसके सिवा और क्या है। इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है तथा जिनकी बुद्धि मंद है, वे सबका अपकार करने वाले क्रूर कर्मी मनुष्य केवल जगत के नाश के लिए ही समर्थ होते हैं। वे दंभ, मान और मद से युक्त मनुष्य किसी प्रकार भी पूर्ण ना होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों के को ग्रहण करके भ्रष्ट आचरणों को धारण करके संसार में विचरते हैं तथा वे मृत्यु पर्यंत रहने वाली असंख्य चिंताओं का आश्रय लेने वाले, विषय भोगों के भोगने में तत्पर रहने वाले और इतना ही सुख है इस प्रकार मानने वाले होते हैं। वे आशा की सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए मनुष्य काम क्रोध के प्राण होकर विषय भोगों के लिए अन्यायपूर्वक धन आदि पदार्थों का संग्रह करने की चेष्टा करते हैं। वे सोचा करते हैं कि मैंने आज यह प्राप्त कर लिया है और अब इस मनोरथ को प्राप्त कर लूँगा, मेरे पास यह इतना धन है और फिर भी यह हो जाएगा। वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया और उन दूसरे शत्रुओं को भी मैं मार डालूँगा। मैं ईश्वर हूँ, ऐश्वर्य को भोगने वाला हूँ, मैं सब सिद्धियों से युक्त हूँ और बलवान तथा सुखी हूँ। मैं बड़ा धनी और बड़े कुटुंब वाला हूँ और मेरे समान दूसरा कौन है। मैं यज्ञ करूँगा, दान दूँगा और अमोद प्रमोद करूँगा। इस प्रकार अज्ञान से मोहित रहने वाला तथा अनेक प्रकार से भ्रमित चित्त वाले, मोह रूप जाल से समावृत और विषय भोगों में अत्यंत आसक्त आसुर लोग महान अपवित्र नरक में गिरते हैं। वे अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी पुरुष धन और मान के मद से युक्त होकर केवल नाम मात्र के यज्ञों द्वारा पाखंड से शास्त्र विधि रहित यजन करते हैं। वे अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोध आदि के प्राण और दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी से द्वेष करने वाले होते हैं। उन द्वेष करने वाले पापाचारी और क्रूर कर्मी नराधर्मों को मैं संसार में बार बार आश्रय योनियों में ही डालता हूँ।
हे अर्जुन, वे मूढ़ मुझको ना प्राप्त होकर ही जन्म जन्म में आसुरी योनियों को प्राप्त होते हैं। फिर उनसे उससे भी अति नीच गति को ही प्राप्त होते हैं, अर्थात घोर नरकों में पड़ते हैं। काम, क्रोध तथा लोभ, ये तीन प्रकार के नरक के द्वार आत्मा का नाश करने वाले अर्थात आत्मा को अधोगति में ले जाने वाले हैं। ऐसे इन तीनों को त्याग देना चाहिए। हे अर्जुन, इन तीनों नरक के द्वारों से मुक्त पुरुष अपने कल्याण का आचरण करता है, इससे वह परम गति को जाता है अर्थात मुझको प्राप्त हो जाता है। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वह ना सिद्धि को प्राप्त होता है, ना परम गति को और ना सुख को ही। इससे तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है, ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म ही करने योग्य है। ओम तस्ति श्रीमद भगवत गीता सुपनि सुब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्र श्री कृष्णार्जुन संवादे देवासुर समद्विभाग योगो नाम षोडशोध्याय। जय हो कृष्ण भगवान। सप्तदशोध्याय अर्जुनवाच। सत्रवां अध्याय। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा से युक्त हुए देव आदि का पूजन करते हैं, उनकी स्थिति फिर कौन सी है? सात्विक है अथवा राजसी किंवा तामसी? श्री भगवान बोले, मनुष्यों की वह शास्त्रीय संस्कारों से रहित केवल स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा सात्विक और राजसी तथा तामसी ऐसे तीनों प्रकार की होती है, उसको तुम मुझसे सुन। हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है। यह पुरुष श्रद्धा में है, इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वही है। सात्विक पुरुष देवों को पूजते हैं, राजस पुरुष यक्ष और राक्षसों को तथा अन्य जो तामस मनुष्य हैं वो प्रेत और भूत गणों को पूजते हैं। जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मनः कल्पित घोर तप को तपते हैं तथा दंभ और अहंकार से युक्त एवं कामना आसक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त हैं, जो शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को और अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी क्लिश करने वाले हैं, उन अज्ञानियों को तो आसुर स्वभाव वाले जान। भोजन भी सबको अपनी प्रकृति के अनुसार ही तीन प्रकार का प्रिय होता है, और वैसे ही यज्ञ तप और दान भी तीन तीन प्रकार के होते हैं। उनके इस पृथक पृथक भेद को तुम मुझसे सुन। आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले, रसयुक्त चिकने और स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय, ऐसे आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। कड़वे, खट्टे, लवणयुक्त, बहुत गर्म, तीखे, रूखे, दाहकारक और दुख, चिंता और रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ राजस पुरुष को प्रिय होते हैं। जो भोजन अधपका, रस रहित, दुर्गंधयुक्त, बासी और उच्छिष्ट है तथा जो अपवित्र भी है, वह भोजन तामस पुरुष को प्रिय होता है। जो शास्त्र विधि से नियत यज्ञ करना ही कर्तव्य है, इस प्रकार मन को समाधान करके फल ना चाहने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है, वह सात्विक है। परंतु जो हे अर्जुन, केवल दम्भाचरण के लिए अथवा फल को भी दृष्टि में रखकर जो यज्ञ किया जाता है, उस यज्ञ को तू राजस जान। शास्त्र विधि से हीन, अन्नदान से रहित, बिना मंत्र के, बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा से किए जाने वाले यज्ञ को तामस यज्ञ कहते हैं। देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा या शरीर संबंधी तप कहा जाता है। जो द्वेग ना करने वाला प्रिय और हितकारक एवं यथार्थ भाषण है तथा जो वेद शास्त्रों के पठन का एवं परमेश्वर के नाम जप का अभ्यास है, वही वाणी संबंधी तप कहा जाता है। मन की प्रसन्नता, शांत भाव, भगव चिंतन करने का स्वभाव, मन का निग्रह और अंतःकरण के भावों की भली भांति पवित्रता, इस प्रकार यह मन संबंधी तप कहा जाता है। फल को ना चाहने वाले योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए उस पूर्वोक्त प्रकार तीन प्रकार के तप को सात्विक कहते हैं। जय कृष्ण भगवान।
जो तप सत्कार मान और पूजा के लिए तथा अन्य किसी स्वार्थ के लिए भी स्वभाव से या पखंड से किया जाता है वह अनिश्चित एवं क्षणिक फल वाला तप यहाँ राजस कहा गया है। जो तप मूर्तापूर्वक हट से मन वाणी और शरीर की पीड़ा के सहित अथवा दूसरों का अनिष्ट करने के लिए किया जाता है वह तप तामस कहा गया है। दान देना ही कर्तव्य है, ऐसे भाव से जो दान देश तथा काल और पात्र के प्राप्त होने पर उपकार ना करने वाले के प्रति दिया जाता है वह दान सात्विक कहा गया है। किंतु जो दान क्लेश पूर्वक तथा प्रत्युपकार के प्रयोजन से अथवा फल को दृष्टि में रखकर फिर दिया जाता है वह दान राजस कहा गया है। जो दान बिना सत्कार के अथवा तिरस्कार पूर्वक अयोग्य देश काल में और कुपात्र के प्रति दिया जाता है वह दान तामस कहा गया है। ओम तत्सत ऐसे या तीन प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है उसी से सृष्टि के आदि काल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञ आदि रचे गए हैं। इसलिए वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ दान और तप रूप क्रियाएं सदा ओम इस परमात्मा के नाम को उच्चारण करके ही आरंभ होती हैं। तत् अर्थात तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा का ही यह सब है इस भाव से फल को ना चाहकर नाना प्रकार की यज्ञ तप रूप क्रियाएँ तथा दान रूप क्रियाएँ कल्याण की इच्छा वाले पुरुषों द्वारा की जाती हैं। सत इस प्रकार यह परमात्मा का नाम सत्य भाव में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है तथा हे पार्थ उत्तम कर्म में भी सत्य शब्द का प्रयोग किया जाता है तथा यज्ञ तप और दान में जो स्थिति है वह भी सत्य इस प्रकार कही जाती है और उस परमात्मा के लिए किया हुआ कर्म निश्चय पूर्वक सत्य ऐसे कहा जाता है। ए अर्जुन बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन दिया हुआ दान एवं तपा हुआ तप और जो कुछ भी किया हुआ शुभ कर्म है वह सब समस्त असत इस प्रकार कहा जाता है। इसलिए वह ना तो इस लोक में लाभदायक है और ना मरने के बाद ही। ओम तस्मै श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे नाम श्रद्धा त्रय विभाग योगो नाम सप्तदशो अध्याय। जय हो कृष्ण भगवान। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवाय। अष्टादशोध्याय श्री अर्जुनवाच। 18वां अध्याय। अर्जुन बोले हे महाबाहो हे अंतर्यामिन हे वासुदेव मैं संन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूँ। श्री भगवान बोले कितने ही पंडित जन तो काम्य कर्मों का त्याग को संन्यास समझते हैं तथा दूसरे विचार कुशल पुरुष सब कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं। कई एक विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्म मात्र दोष युक्त हैं इसलिए त्यागने के योग्य हैं और दूसरे विद्वान यह कहते हैं कि यज्ञ दान और तप रूप कर्म त्यागने योग्य नहीं है। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन संन्यास और त्याग इन दोनों में से पहले त्याग के विषय में तू मेरा निश्चय सुन क्योंकि त्याग सात्विक राजस और तामस भेद से तीन प्रकार का कहा गया है। यज्ञ दान और तप रूप कर्म त्याग करने के योग्य नहीं है बल्कि वह तो अवश्य कर्तव्य है क्योंकि यज्ञ दान और तप ये तीनों ही कर्म बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र करने वाले हैं। इसलिए हे पार्थ इन यज्ञ दान और तप रूप कर्मों को तथा और भी संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को आसक्ति और फलों का त्याग करके अवश्य करना चाहिए यह मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। निषिद्ध और काम्य कर्मों का तो स्वरूप से त्याग करना उचित ही है परंतु नियत कर्म का स्वरूप से त्याग करना उचित नहीं है इसलिए मोह के कारण उसका त्याग कर देना तामस त्याग कहा गया है। जो कुछ कर्म है वह सब दुख रूप ही है ऐसा समझ कर यदि कोई शारीरिक क्लेश के भय से कर्तव्य कर्मों का त्याग कर दे तो वह ऐसा राजस त्याग करके त्याग के फल को किसी प्रकार भी नहीं पाता। हे अर्जुन जो शास्त्र विधि
शास्त्र विहित कर्म करना कर्तव्य है, इसी भाव से आसक्ति और फल का त्याग करके किया जाता है वही सात्विक त्याग माना गया है। जो मनुष्य अकुशल कर्म से तो द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता वह शुद्ध सत्व गुण से युक्त पुरुष संशय रहित बुद्धिमान और सच्चा त्यागी है। क्योंकि शरीरधारी किसी भी मनुष्य के द्वारा संपूर्णता से सब कर्मों का त्याग किया जाना शक्य नहीं है, इसलिए जो कर्म फल का त्यागी है वही त्यागी है यह कहा जाता है। जय हो कृष्ण भगवान। कर्म फल का त्याग ना करने वाले मनुष्यों के कर्मों का तो अच्छा बुरा और मिला हुआ ऐसे तीन प्रकार का फल मरने के पश्चात अवश्य होता है, किंतु कर्म फल का त्याग कर देने वाला मनुष्यों के कर्मों का फल किसी काल में भी नहीं होता। हे महाबाहो, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के ये पांच हेतु कर्मों का अंत करने के लिए उपाय बतलाने वाले सांख्य शास्त्र में कहे गए हैं, उनको तुम मुझसे भली भांति जान। इस विषय में अर्थात कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान और कर्ता तथा भिन्न भिन्न प्रकार के कर्ण एवं नाना प्रकार की अलग अलग चेष्टाएँ और वैसे ही पांचवा हेतु दैव है। मनुष्य मन वाणी और शरीर से शास्त्रानुकूल अथवा विपरीत जो कुछ भी कर्म करता है उसके ये पांचों कारण हैं। परंतु ऐसा होने पर भी जो मनुष्य अशुद्ध बुद्धि होने के कारण इस विषय में यानी कर्मों के होने में केवल शुद्ध स्वरूप आत्मा को कर्ता समझता है वह मलिन बुद्धि वाला अज्ञानी यथार्थ नहीं समझता। जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं कर्ता हूँ ऐसा भाव नहीं है तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक विषयों में पदार्थों में और कर्मों में लिपायमान नहीं होती वह पुरुष इन सब लोकों को मार कर भी वास्तव में ना तो मारता है और ना पाप से बंधता है। ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय ये तीन प्रकार की कर्म प्रेरणा है और कर्ता कर्ता क्रिया ये तीन प्रकार का कर्म संग्रह है। जय हो कृष्ण भगवान। गुणों की संख्या करने वाले शास्त्र में ज्ञान और कर्म तथा कर्ता गुणों के भेद से तीन तीन प्रकार के ही कहे गए हैं, उनको भी तुम मुझसे भली भांति सुन। जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सब भूतों में एक विनाशी परमात्म भाव को विभाग रहित समभाव से स्थित देखता है उस ज्ञान को तो तू सात्विक जान। किंतु जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार के नाना भावों को अलग अलग जानता है उस ज्ञान को तू राजस जान। परंतु जो ज्ञान एक कार्य रूप शरीर में ही संपूर्ण के दृश्य आसक्त है तथा जो बिना युक्ति वाला तात्विक से रहित और तुच्छ है वह तामस कहा गया है। जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ और कर्तापन के अभिमान से रहित हो तथा फल ना चाहने वाले पुरुष द्वारा बिना राग द्वेष के किया गया हो वह सात्विक कहा जाता है। परंतु जो कर्ता बहुत परिश्रम से युक्त होता है तथा भोगों को चाहने वाले पुरुष द्वारा या अहंकार युक्त पुरुष द्वारा किया जाता है वह कर्म राजस कहा गया है। जो कर्म परिणाम हानि हिंसा और समर्थ को ना विचार कर केवल अज्ञान से आरंभ किया जाता है वह तामस कहा जाता है। जो कर्ता असंग रहित अहंकार के वचन ना बोलने वाला धैर्य और उत्साह से युक्त तथा कार्य के सिद्ध होने और ना होने में हर शोक आदि विकारों से रहित है वह सात्विक कहा जाता है। जो कर्ता आसक्ति से युक्त कर्मों के फल को चाहने वाला और लोभी है तथा दूसरों को कष्ट देने के स्वभाव वाला अशुद्धाचारी और हर शोक से लिप्त है वह राजस कहा गया है। जो कर्ता अयुक्त शिक्षा से रहित घमंडी धूर्त दूसरों की जीविका का नाश करने वाला तथा शोक करने वाला आलसी और दीर्घ सूत्री है वह तामस कहा जाता है। हे धनंजय, अब तो बुद्धि का और धृति का भी गुणों के अनुसार तीन प्रकार का भेद मेरे द्वारा संपूर्णता से विभाग पूर्वक कहा जाने वाला सुन। हे पार्थ, जो बुद्धि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग को कर्तव्य और अकर्तव्य को भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को यथार्थ जानती है वह बुद्धि सात्विक ही है। हे पार्थ, मनुष्य जिस बुद्धि के द्वारा धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को भी यथार्थ नहीं जानता वह बुद्धि राजसी है। हे अर्जुन, जो तमोगुण से घिरी हुई बुद्धि अधर्म को भी यह धर्म है ऐसा मान लेती है तथा इसी प्रकार अन्य संपूर्ण पदार्थों को भी विपरीत मान लेती है वह बुद्धि तामसी है। हे पार्थ, जिस अभिचारणी धारण शक्ति से मनुष्य ध्यान योग के द्वारा मन प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है वह धृति सात्विकी है। परंतु हे पृथापुत्र अर्जुन, फल को
फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा अत्यंत आसक्ति से धर्म अर्थ और कामों को धारण करता है वह धारण शक्ति राजसी है। हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा निद्रा भय चिंता और दुख को तथा उन्मत्ता को भी नहीं छोड़ता अर्थात धारण किए रहता है वह धारण शक्ति तामसी है। हे भरतश्रेष्ठ, अब तीन प्रकार के सुख को भी तुम मुझसे सुन। जिस सुख में साधक मनुष्य भजन ध्यान और सेवा आदि के अभ्यास से रमण करता है और जिससे दुखों के अंत को प्राप्त हो जाता है, जो ऐसा सुख है वह आरंभ काल में यद्यपि विष के तुल्य प्रतीत होता है परंतु परिणाम में अमृत के तुल्य है। इसलिए वह परमात्मा विषयक बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न सुख बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न होने वाला सुख सात्विक कहा गया है। जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है यह वह पहले भोग काल में अमृत के तुल्य प्रतीत होने पर भी परिणाम में विष के तुल्य है। इसलिए वह सुख राजस कहा गया है। जो सुख भोग काल में तथा परिणाम में भी आत्मा को मोहित करने वाला है वह निद्रा आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न सुख तामस कहा गया है। पृथ्वी में या आकाश में अथवा देवताओं में तथा इनके सिवा और कहीं भी ऐसा कोई भी सत्व नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुणों से रहित हो। हे परंतप, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों के तथा शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों द्वारा विभक्त किए गए हैं। अंतःकरण का निग्रह करना, इंद्रियों का दमन करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराधों को क्षमा करना, मन इंद्रिय और शरीर को सरल रखना, शास्त्र ईश्वर और परलोक आदि में श्रद्धा रखना, वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन करना और परमात्मा के तत्व का अनुभव करना, ये सब के सभी ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। शूरवीरता तेज धैर्य चतुरता और युद्ध में ना भागना, दान देना और स्वामी भाव, ये सब के सभी क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं। खेती गोपालन और क्रय विक्रय रूप सत्य व्यवहार ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म है तथा सब वर्णों की सेवा करना शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है। अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्परता से लगा हो मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार से कर्म करके परम सिद्धि को प्राप्त होता है उस विधि को तो सुन। जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों से कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए सब धर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त होता। एतव हे कुंती पुत्र, दोष युक्त होने पर भी सहज कर्म को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि की भांति सभी कर्म किसी न किसी दोष से युक्त हैं। सर्वत्र आसक्ति रहित बुद्धि वाला स्वप्रिया रहित और जीते हुए अंतःकरण वाला पुरुष सांख्य योग के द्वारा उस परम नैष कर्म सिद्धि को प्राप्त होता है जो कि ज्ञान योग की परानिष्ठा है। उस नैष कर्म सिद्धि को जिस प्रकार से प्राप्त होकर मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त होता है उस प्रकार को हे कुंती पुत्र तू संक्षेप में ही मुझसे समझ। विशुद्ध बुद्धि से युक्त तथा हल्का सात्विक और नियमित भोजन करने वाला, शब्द आदि विषयों का त्याग करके एकांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाला, सात्विक धारण शक्ति के द्वारा अंतःकरण और इंद्रियों का संयम करके मन वाणी और शरीर को वश में कर लेने वाला, राग द्वेष को सर्वथा नष्ट करके भली भांति दृढ़ वैराग्य का आश्रय लेने वाला तथा अहंकार बल घमंड काम क्रोध परिग्रह का त्याग करके निरंतर ध्यान योग के प्रायण रहने वाला, ममता रहित और शांतियुक्त पुरुष सच्चिदानंद घन ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित होने का पात्र होता है। फिर वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म में एक ही भाव से स्थित प्रसन्न मन वाला योगी ना तो किसी के लिए शोक करता है और ना किसी की आकांक्षा ही करता है। ऐसा समस्त प्राणियों में सम भाव वाला योगी मेरी पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है। उस पराभक्ति के द्वारा वह मुझ परमात्मा को मैं जो हूँ और जितना हूँ ठीक वैसा का वैसा तत्व से जान लेता है तथा उस भक्ति से मुझको तत्व से जानकर तत्काल ही मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। मेरे प्रायण हुआ कर्मयोगी जो संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। सब कर्मों को मन से मुझ में अर्पण करके तथा सम बुद्धि रूप योग को अवलंबन करके मेरे प्रायण और निरंतर मुझ में चित्त वाला हो
उपयुक्त प्रकार से मुझ में चित्त वाला होकर तू मेरी कृपा से समस्त संकटों को अनायास ही पार कर जाएगा, और यदि अहंकार के कारण मेरे वचनों को ना सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा अर्थात परमार्थ से भ्रष्ट हो जाएगा। जो तू अहंकार का आश्रय लेकर यह मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा तो तेरा यह निश्चय मिथ्या है, क्योंकि तेरा स्वभाव तुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। हे कुंती पुत्र, जिस कर्म को तू मोह के कारण करना नहीं चाहता उसको भी अपने पूर्वकृत स्वभाव से परवश होकर करेगा। स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ परवश होकर करेगा। हे अर्जुन, शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण कराता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा। उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। इस प्रकार यह गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुझसे कह दिया। अब तू इस रहस्युक्त ज्ञान को पूर्णतया भली भांति विचार कर जैसे चाहता है वैसे ही कर। संपूर्ण गोपनीयों से अति गोपनीय मेरे परम रहस्युक्त वचन को तू फिर भी सुन। तू मेरा अतिशय प्रिय है, इससे परम हितकारक वचन मैं तुझसे कहूँगा। हे अर्जुन, तू मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो और मुझको प्रणाम कर। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा, यह मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की ही शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। तुझे यह गीता रूप रहस्यमय उपदेश किसी भी काल में ना तो तप रहित मनुष्य से कहना चाहिए, ना भक्ति रहित से और ना बिना सुनने की इच्छा वाले से ही कहना चाहिए, तथा जो मुझ में दोष दृष्टि रखता है उसे तो कभी भी नहीं कहना चाहिए। जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्ययुक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा वह मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय हो कृष्ण भगवान। उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्य में कोई भी नहीं है, तथा पृथ्वी भर में उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्य में होगा भी नहीं। जो पुरुष इस धर्म में हम दोनों के समाज रूप गीता शास्त्र को पढ़ेगा उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित हो जाऊंगा, ऐसा मेरा मत है। जो मनुष्य श्रद्धा युक्त और दोष दृष्टि से रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण भी करेगा वह भी पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वालों के श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त होगा। हे पार्थ, क्या इस गीता शास्त्र को तूने कागरचित श्रवण किया? और हे धनंजय, क्या तेरा ज्ञान जनित मोह नष्ट हो गया? अर्जुन बोले, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है। अब मैं संचरित होकर स्थित हूँ, अतः आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। संजय बोले, इस प्रकार मैंने श्री वासुदेव के और महात्मा अर्जुन के इस अद्भुत रहस्युक्त रोमांचकारक संवाद को सुना। श्री व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि पाकर मैंने इस परम गोपनीय योग को अर्जुन के प्रति कहते हुए स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से प्रत्यक्ष सुना है। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस रहस्युक्त कल्याणकारक और अद्भुत संवाद को पुनः पुनः स्मरण करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। हे राजन, श्री हरि के उस अत्यंत विलक्षण रूप को भी पुनः पुनः स्मरण करके मेरे चित्त में महान आश्चर्य होता है और मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। हे राजन, जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है और जहाँ गांडीव धनुषधारी अर्जुन है, वहीं पर श्री विजय विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। ओम तस्तुति श्रीमद्भगवद्गीता श्रीपनिषद गुरु विद्यायाम शास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन संवाद नामाष्टमोध्याय। जय हो कृष्ण भगवान। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय हो भगवान। गीता जी की आरती। जय भगवत गीते, जय भगवत गीते, हरि कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवत गीते, करम सुमरम प्रकाशिनी काम शक्ति हरा, तत्व ज्ञान प्रकाशिनी
विद्या ब्रह्म परा, ओम जय भगवत गीते। निश्चल भक्ति विधायिनी निर्मल मलहारी, शरण रहस्य प्रदायिनी सब विधि सुखकारी। जय भगवत गीते। राग द्वेष विदारिणी कारिणी मोद सदा, भव भय हारिणी तारिणी परमानंद प्रदा। ओम जय भगवत गीते। आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तमरजनी, देवी सदगुण दायिनी हरि रसिका सजनी। जय भगवत गीते। ममता त्याग सिखावनी हरिमुख सिरिवाणी, सकल शास्त्र की स्वामिनी श्रुतियों की रानी। ओम जय भगवत गीते। दया सुधा वरसाविनी मातु कृपा की जय, हरि पद प्रेम दान कर अपनों कर ली जय। जय भगवत गीते। जय भगवत गीते। जय भगवत गीते। हरि ही कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवत गीते। जय हो भगवती, जय हो कृष्ण भगवान, जय हो प्रभु तेरी।